नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी पीसीएस प्री जो आपका 14 मई को प्रस्तावित है, इसमें मात्र अब आपके पास 63 दिन बचे हुए हैं। इस 63 दिन में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक बेटर रणनीति होनी चाहिए कि आपको इस 63 दिन में बस वही वही पार्ट आप पढ़ लो तो आपका प्री क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो आपका तीन फेज में आपका जो है सिविल सर्विस जो यूपी पीसीएस है, ये तीन फेज में होता है, सभी लोग जानते हो। पहला आपका होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका जो होगा वो मेंस होगा, और उसका थर्ड जो फेज होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो अभी जो देखा गया रिसेंट में कि आपका पूरा का पूरा इसमें जो मेंस का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उनको चेंज किया गया है। तो अब कुछ बच्चे जो पहले भाषा के कहते थे कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, चाहे हम साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं, पार्शियलिटी होती थी, स्केलिंग नहीं होता था मेंस में, जो ऑप्शनल पेपर होता था, खासकर जो दो ऑप्शन होते थे, तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको मार्क्स अच्छे मिल जाते थे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इनको अच्छे मार्क्स मिलते थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके अपेक्षा। तो इसको ही, इसी पर बच्चों का आंदोलन था, और इसी को देखते हुए इस बार क्या किया गया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया। मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा कि आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो, आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम्स का बच्चा हो, उनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको यूपी स्पेशल का पेपर कराया जाएगा, दो पेपर होंगे। और जो आपके चार पेपर जीएस के होते थे, जिसमें से आपका यूपी स्पेशल सभी के सापेक्ष में पूछता था, जैसे हिस्ट्री वाले में हिस्ट्री पूछता था, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पूछता था, तो वहां से वो चीजें हटाकर आपकी जो है इसमें सिलेबस में डाल दिया गया है। और आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस आ चुका है, तो आप सभी लोग मेंस का सिलेबस भी देख लीजिएगा। लेकिन मेरा मोटो यहां पर प्री क्वालिफाई कराने का, क्योंकि प्री का मार्क्स जुड़ेगा नहीं, जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के बेसिस पर, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। तो इसको कैसे क्वालिफाई करना है उस पर मैं बात करूंगा, और पिछली बार क्या ट्रेंड एनालिसिस है पेपर का उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या डिमेरिट रही है कि पिछली बार कुछ बच्चे जो है प्री को क्यों नहीं क्वालिफाई, जिनका कुछ बच्चों का जीएस अच्छा होता है उसके बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं आयोग के द्वारा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहा है अभी तक ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, पेपर में कैसे किस संभाग से कितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि जब ये माइंड सेटअप आप कराएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हमें अब इतने कम समय में किन सब्जेक्ट को फोकस करना है। और जाहिर सी बात, आपके पास सिर्फ 63 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप कहीं ना कहीं करेंट आपने पढ़ा होगा, किसी ना किसी एग्जाम से पढ़ रहे हो, और हमेशा आपकी हैबिट है कि करेंट आप पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे, और आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जीएस में आपको यूज होते ही हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें डीप आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा, दो बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी पीसीएस प्री में, कॉन्सेप्ट भी रहता है और फैक्ट भी होता है। ये भी नहीं कह सकते कि पूरा फैक्ट होता है, ये भी नहीं कह सकते कि पूरा कॉन्सेप्ट होता है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं हर बार पेपर में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को हमें जरूर मिलते हैं क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज। तो उसी पर ट्रेंड एनालिसिस देख लें कि क्या ट्रेंड कहता है, और आगे आने वाला जो पेपर होगा 2023 वाला, उसमें क्या संभावना रहेगी। ठीक है, चलो तो एक बार ट्रेंड को हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सामने देखो, जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उनसे हमने ये क्वेश्चंस का एक ट्रेंड निकाला है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम कर दे रहा हूं, शायद दिख रहा होगा आपको। चलो, अभी यहां पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न हम देखें यहां पर कि आपको कहां से पूछे, 16 से हमने ट्रेंड दिया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब देख रहे हो सबसे पहले आपका क्या है, इतिहास का पोर्शन है। इतिहास में किसी भी समय में आपका देख रहे हो 20 से कम हुआ है क्या, एक सिर्फ 21 के पेपर में वो 18 प्रश्न पूछा था, लेकिन ऑलमोस्ट ये ट्रेंड कहां कर रहा है, 18 से 20, 22, ऑलमोस्ट आप अगर एवरेज निकाल लो इसका तो 22, 23, 24 प्रश्न ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा चंक है इतिहास, लेकिन जितना इससे क्वेश्चन आ रहा उतना ही वॉश इसका सिलेबस भी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तीन पार्ट है, तीनों में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम बात करें तो 50% आपका मान के चलो कि मॉडर्न से बनेगा क्वेश्चन, 50% मॉडर्न से। अगर 24 क्वेश्चन पूछा है तो 12 प्रश्न आपके मॉडर्न से होंगे, 10 से 12 वैरी करेगा, और बाकी 50% जो होंगे वो आपके एंशियंट से होंगे,
ठीक है, और आपका मेडिवल से होगा, तो आपको यहीं पर देखना है कि इसको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप एंशियंट पढ़ने लग गए इस लास्ट समय में 63 दिनों में, एंशियंट को सिर्फ रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज वो करो जितना आपने पढ़ा है अभी तक, जिस सोर्स भी पढ़, जो भी आप नोट्स फॉलो किए होंगे, जिस सोर्स को अपनाया होगा उतना ही सफिशियंट है। अगर ज्यादा जाओगे, क्योंकि एंशियंट में क्वेश्चन अच्छे खासे घुमा के पूछे जाते हैं, जो बच्चे समझ में नहीं आता आखिर ये किस किताब से पूछा गया है, ठीक है, तो वो सबके लिए टफ होता है। तो उसमें आपको बार बार नहीं जाना है कि नहीं हमें एंशियंट ही पढ़ो, मेडिवल ही पढ़ो। मैं भी बता दूंगा कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, खासकर एंशियंट और मेडिवल में। मॉडर्न का सिलेबस एकदम प्रीडिफाइंड है, साफ सुथरा है, जितना पढ़ लोगे उसी से ही आता है, और यहीं से कुछ आप लोग स्कोर भी करते हो हिस्ट्री में। तो एक पोर्शन तो यहां पर देख रहे हो। भूगोल में अगर आपको देखा जाए तो यहां पर भी 24, 21, 22, 25, मतलब 20 से ऊपर ही प्रश्न बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 20 से ऊपर ही बनेगा 23 में भी। ये नहीं हो सकता है कि 10 प्रश्न बने, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये भी आप देख रहे हो कि भूगोल का भी अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद से हम बात करें करंट अफेयर्स की ना, देखो करंट अफेयर रिसेंट के 2 सालों में आपके 21 और 22 में 27-27 प्रश्न पूछा है, और इधर से बढ़ा है इसका वेटेज। इधर तो बहुत कम होता था, 12-21 फिर 21 फिर 18, एक बार से 12 रहा है 16 में, उसके बाद से कहीं ना कहीं 21-22 पर रहा, और ये बढ़ रहा है 27। अगर ये थोड़ा सा और इसमें मिला लोगे ना, जो करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछता है प्रीलिम्स में, यहां पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको मुश्किल से मिलेगा तो 5 से 6 प्रश्न मिलेगा। बाकी जो यहां पर 12 प्रश्न है ना, तो 6 प्रश्न आपके ट्रेडिशनल होंगे, और 6 ही प्रश्न आपके, 6 से 7 प्रश्न आपके वो आपके करेंट इकोनॉमिक्स बेस्ड होंगे, इंडेक्स से होगा, एसडीजी से होगा, इन सब चीजों से होगा। तो ये अगर मिला लो साक्षेत्र में 33-34 प्रश्न पहुंच जाता है, तो करंट का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो वही मैंने शुरू में बोला, जिसकी आदत है कि करंट आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो उसके लिए प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना सबसे बड़ा जो अगर सब्जेक्ट बोला जाए, और सबसे एक तरह से स्कोरिंग भी बोला जाए करंट अफेयर है, अगर आप रेगुलर टच में हो। आप सोचोगे नहीं एक ही महीना में हम पूरे साल भर का करंट पढ़ लें, तो इतना कंफ्यूजन होगा कि फिर दिक्कत ही दिक्कत आपके सामने आएगी। इसीलिए करंट हमेशा अगर आप पढ़ते आए हो, रेगुलर टच में हो, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपके कहीं ना कहीं 30-32 प्रश्न मिला के अगर इकोनॉमिक्स को भी टच करें, और कहीं ना कहीं करंट कई जगह जाता है, करंट का ही आपको देखोगे पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कुछ पर्यावरण के क्वेश्चंस जो होते हैं वो करेंट्स के टच में होते हैं, तो वो भी आप वहां से कर सकते हो। तो इसका हर जगह रोल है। ये तो प्योरली जो करंट अगर बोला जाए वो 27 है, बाकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में और पर्यावरण से भी आप कर सकते हो। तो वही मैंने बताया 34-35 प्रश्न इसके बन ही जाते हैं ओवरऑल, ठीक है, अगर आप मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, योजना को फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजें पढ़ रहे हो। तो उसके बाद से देखो यहां पर विज्ञान जो सबसे आसान अगर बोला जाए, सबसे आसान होता है विज्ञान आपका, इसमें क्वेश्चन कोई भी बहुत ज्यादा घुमाता नहीं है, एक दो क्वेश्चन घुमाएगा तो घुमाएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसको अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ विज्ञान को घटना चक्र का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लो, इसको प्रीवियस ईयर आपका एमसीक्यू कर लो, इसमें से आप अगर 17 से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 15+ सही करके आओगे, आसान से प्रश्न। और विज्ञान तो जो विज्ञान वाले छात्र, मतलब विज्ञान स्ट्रीम वाले छात्र, उनके लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आर्ट वाले थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ आपका सिलेबस डिफाइन है, स्कोर जल्दी कर लोगे इसमें, ठीक है, और बहुत सबका सही होता है क्योंकि पढ़ा हुआ ही आता, बहुत डीप नहीं जाता इसमें विज्ञान में। तो ये आप यहां से चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है टारगेट, कि करंट को अच्छा करना है आपका, करंट अच्छा हो गया उसके बाद से आपका जो विज्ञान वाला पोर्शन है ना, यहां से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, कि जो क्वेश्चन है ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं, इसलिए स्कोरिंग आपका अच्छा खासा यहां पर मिल जाता है। तो आपका साइंस वाला हो गया, साइंस हो गया और करंट हो गया, ठीक है, साइंस और करंट हो गया। तो मान लो अगर 27 प्रश्न इसमें है और 20 प्रश्न यहां, मान ले 17 से 20 प्रश्न आए, 7, 2, 2, 47 प्रश्न आपके यहां पर हो गए 47। अगर यहां पर अब आते हैं भूगोल में, भूगोल से पहले थोड़ा सा बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। क्यों पॉलिटी? पॉलिटी आपकी प्रीडिफाइन है, एकदम वही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसके ट्रेंड एनालिसिस देख लोगे, क्वेश्चंस देख लोगे घटना चक्र से, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी पढ़िएगा लेकिन घटना चक्र जरूर लेकर बैठिएगा।
ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है पीसीएस में। और घटनाचक्र में आप जब देखोगे इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में, तो जैसे प्रश्न होते हैं उसी को मॉडिफाई करके, क्योंकि इसका भी सिलेबस आपका डिफाइन है, आपके कहीं ना कहीं आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछेगा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद से पंचायती राज से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कमीशन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब चीजें प्री डिफाइन है कि यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फंडामेंटल आईडी और डिप्टी एसपी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको डिफाइन है, तो वो आपका डीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, ये सब पूछेगा। तो ये आपका डिफाइन है, यहां से आप स्कोर कर सकते हो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता इनके, एक दो प्रश्न में होगा, बाकी आप क्लियर कर सकते हो। तो भाई मैं कहा कि अगर यहां पर आपका कितना है पॉलिटी आपका देख रहे हो, 18 से 20 प्रश्न में मानू, 18 से 20 मानू, तो आप 15 प्लस सही करके आओगे यहां पर। तो ये भी आप मान के चलो कि यहां आपके 18 प्रश्न यहां हो गए, 8, 7, 15, 4, 1, 5, 1, 6, 65 प्रश्न आपके सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट से हो गए। अब हम आते हैं यहां पर पॉलिटी के बाद हम कहेंगे कि ज्योग्राफी पकड़ लो, और ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी के एकदम आपके क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट आएंगे और मैक्सिमम आपके फैक्ट बेस आते हैं, ठीक है। अब जैसे कोसी का इंडस्ट्रीज पूछ ले कहां पे कहां है, वॉर ऐसे क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी में आपके 25 क्वेश्चन है तो आपके 10 प्रश्न मैक्सिमम 10 प्रश्न 10 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ फैक्ट पूछता है, किसी का कोल माइंस दिया है तो उसका प्लेस पूछ लेगा मैच कराने के लिए, इंडस्ट्री किसी चीज की है उसको भी पूछ लेगा, डिजर्ट हो गया किस कंट्री में कौन सा डिजर्ट इसका मैच कराने के लिए पूछ लेगा, प्लेटी होंगे, ऐसे आपके प्रश्न बनाए जाते हैं जो कूट वाले होते हैं। और वो आप सिर्फ किससे करो, प्रीवियस ईयर से करो, मतलब घटना चक्र से कवर कर लो, घटना चक्र के क्वेश्चन देख लो, उसके नोट्स देख लो, घटना चक्र के आप कर लोगे, इसको कवर कर लोगे, ठीक है। वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 3-4 क्वेश्चन मिला के वो नया क्वेश्चन फ्रेम कर देता है आयोग, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, टोटल 25 प्रश्न में आप किसी भी हालत में आप 25 प्रश्न इसको आराम से है, लेकिन मैंने कह रहा 25 में 25 सही करोगे, लेकिन इसको जोड़ के चलो 5, 5, 10, 6, 90 प्रश्न पर आप आ चुके हो। ये 90 प्रश्न ये हैं कि जहां से आप अगर इनको पढ़े हो अच्छे से रिवाइज कर लिए तो मिल जाएगा। अभी अब हिस्ट्री को मैंने नहीं जोड़ा, लेकिन हिस्ट्री में आप क्या जोड़ो, हिस्ट्री में आप मॉडर्न तो जोड़ो, हिस्ट्री में आप मॉडर्न और मिडिवल को जोड़ सकते हो, कि अगर आपका मॉडर्न मिडिवल मिला के मैं कहूं कि ओवरऑल आप 10 इसमें कर लो और 5 उसमें कर लो, ठीक है, 15 प्रश्न आप यहां पर कर लो, 105 प्रश्न हो गए। अगर आप कुछ भी करते हुए आप 90 प्लस सही कर जाते हो, क्योंकि अभी रिसेंट का जो देखा गया है 90 प्लस 92 93 प्लस अगर आपके हो जाते हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं जो आप आसानी से उसमें एक दो प्रश्न तो कर ही ले जाओगे, यहां पर आपको 105 प्रश्न हो गए, अगर इसमें से आप 90 प्लस आपके स्कोर हैं और बाकी आप कर ले जाते हो तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने एंसियंट नहीं छोड़ा, तो ऐसा नहीं कि आपको एंसियंट नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 7 प्रश्न में से एक दो तो कर लोगे। एंसियंट को मैंने इसलिए रोक दिया कि आप एंसियंट मत पढ़ो, एंसियंट बहुत डीप है, जितना आपने पढ़ा है आप चाहो तो आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर से उसको रिवाइज कर लो, और जो भी आप जिस नोट्स को फॉलो किए उससे एक बार देख लो, ठीक है। उसके बाद से मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो गया, मेडिवल हो गया, इसे आप लोगों ने जिससे भी नोट से आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज करो, बार बार किताबें बदलने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जो कोई सोच रहा है कि सर मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ पाया हूं, अब सोच रहा हूं समय नहीं मिला अब रिवाइज करना चाहता हूं, तो क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो महेश बर्णवाल जी की एक एनसीईआरटी सार करके आती है किताब, उसको आप फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ ठीक है घटना चक्र एमसीक्यू वाली या प्रीवियस ईयर है उसके साथ भी नया लेना, नया में क्या होता है शॉर्ट नोट्स दिया रहता है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, उससे हेल्प मिलता रहेगा आपको, ये ध्यान रखो। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे यहां पर स्कोर करना है, आपको कैसे क्वालिफाई करना है। हाँ, कुछ बच्चों का जीएस बहुत अच्छा होता है, जीएस में अच्छा खासा क्वालिफाई कर भी जाते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा पेपर होता है जिसको सीसेट बोला जाता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है, वहां पर बच्चे कई बच्चे जीएस में अच्छा स्कोर करने के बाद भी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनके लिए तो मैं बता रहा हूं कि देखो सीसेट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपको परीक्षा प्लस टीम के द्वारा जो सीसेट है वो पूरी सीसेट की क्लास जो है आपको क्या कराई जाएगी, फ्री कराई जाएगी,
तो आप लोग YouTube चैनल के थ्रू जुड़कर इस सीसेट का फायदा ले सकते हो कि आपको सीसेट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो पेपर में क्या है, जो सीसेट वाला है इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि मैथ्स और रीजनिंग घुमाता कहां है, इन्हीं दो प्रश्न में घुमाता है, इन्हीं में नए नए प्रश्न बनाता है, बच्चे घूम जाते हैं क्योंकि कभी ध्यान देते नहीं है और उस समय दिक्कत आ जाती है। तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल आपके प्रीवियस से ही पूछता है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा पैसेज को टफ बना देगा, कभी आसान बना देगा, उसी पर डिपेंड रहता है। तो वो चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी कि आपको कैसे ट्रैकल करना है, कैसे आपको इसको क्रैक करना है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, याद रखो इसमें क्वालिफाई करना है कि आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं। बाकी आपका जो प्री क्वालिफाई होगा वो इसी के बेसिस पे, इसके मेरिट के बेसिस पे होगा। इसमें जितना अच्छा आपका स्कोर होगा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि आपका कम से कम 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है। पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है, जिस साल का जैसे आता है उसके अकॉर्डिंग आपका कहीं ना कहीं 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, 90 से ऊपर होगा तभी आप कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई होगे। अब आते हैं हम लोग कि अब इस समय मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो आप सबसे पहली बात कि जो चीजें हैं, साइंस हो गया, करेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मॉडर्न और मेडिवल पर ध्यान दे लो। मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री पर आप ध्यान दे लो, और मेडिवल में भी खासकर पॉलिटिकल चीजें ध्यान दे लो। क्या दे लो? पॉलिटिकल चीजें कि उनपे जो भी आपके रहे हैं, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का रहा शासनकाल प्रशासन, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा, कौन किसका देखभाल करता था, ऐसे हो गया। चाहे शिवाजी को देखना है तो वो भी चीजें आप देख लो, ठीक है। बाकी मॉडर्न में मैक्सिमम समाज क्या है, कब उसकी स्थापना को हुई, उसके बाद से गांधी एरा से क्वेश्चन देख लो। तो वो सब चीजें हैं, आप कहीं ना कहीं जो आपका प्रीवियस ईयर है उसको साथ जरूर पढ़िएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से आपके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको देख लो, जैसे आपका पर्यावरण हो गया, आसान से क्वेश्चन पूछते हैं आप उसमें, महेश बर्णवाल के एनसीईआरटी सार से आप रिवीजन मार सकते हो इसको। उसके बाद से उत्तर प्रदेश विशेष, आप जो यूपी स्पेशल है 6 प्रश्न पूछा जाता है, 5 से 6 प्रश्न होता है जिसमें से 1-2 प्रश्न तो आपको ऐसे ही जनरल करेंट अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाकी 2 प्रश्न आपके होते हैं जो कूट वाले होते हैं, तो आप यूपी स्पेशल की अगर तैयारी किए हो तो आप यहां से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन देख लो, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस इसके लिए कोई मैं बुक नहीं बोलूंगा कि लास्ट टाइम में पूरा किताब पढ़ डालो 6 प्रश्न के लिए। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख डालो यहां से कवर हो जाएगा मैक्सिमम इसके क्वेश्चन। दो क्वेश्चन तो आपको करेंट रिलेटेड मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 6 में 2 या 3 क्वेश्चन करेंट रिलेटेड मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। जनसंख्या के 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने जनसंख्या पढ़ा है कि हाईएस्ट जनसंख्या किसकी है, जनरल सी लिटरेसी रेट, ये सब चीजें देख लो एक बार ओवरव्यू, उसमें बहुत डीप नहीं जाना है। तो वहां से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। ऐसे ही आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें ट्रेडिशनल कोई चीज पूछ रहा है तो ट्रेडिशनल में कुछ डेफिनेशन है उनको चीजें तो देख लो, बेरोजगारी से रिलेटेड है उन सब चीजों से देख लो। बाकी जो 6 क्वेश्चन मैंने बताया वो करंट से ही कवर हो जाएंगे, तो सब कुछ आपका करंट पे है। बाकी आपका जो मैंने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है कि यहां पर 105 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से मैंने बताया कि जिस सोर्स को आपने फॉलो किया है उसी सोर्स को फॉलो करो। हाँ, कोई अगर ऐसा है कि जो चाह रहा है कि क्विक रिविजन करनी है तो क्विक रिविजन आप महेश बर्णवाल जी से कर सकते हो। कोई भी डिटेल में अब इस टाइम को स्पेक्ट्रम लेकर ना पढ़ने लगना, लक्ष्मीकांत लेकर ना पढ़ने लगना, ये कभी मत अपनाना कि इस टाइम में आप बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ो। अब आते हैं कि और क्या कर सकते हो, आपकी तैयारी जैसे आप किए हो कि साथ साथ पढ़ते रहो और अपना एक टेस्ट देते रहो और एनालिसिस करते रहो। जो यहां पर देखो कि परीक्षा प्लस टीम जो है सबसे एकदम मिनिमम फीस में आपको टोटल आपको 12 टेस्ट देगी, 12 टेस्ट एकदम क्वालिटेटिव होंगे और जैसे आपको मैंने ट्रेंड एनालिसिस बताया उसी के एनालिसिस पे उसके क्वेश्चन जैसे चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। यहां आप पेपर को दोगे, पेपर देने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपने कहां पर कौन सी कमियां हैं, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ एक पूरा गाइडेंस मिलेगा। पेपर का सॉल्यूशन जो है व्याख्यात्मक हल पूरा पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, पूरे एक क्वेश्चन से कम 5-6 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ऐसे आपकी व्याख्या दी रहेगी। इसमें आपके 8 GS के फुल टेस्ट होंगे, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होंगे, 2 CSET टेस्ट होगा, 2 करेंट के टेस्ट होंगे, और ये करेंट का जो टेस्ट होगा अगर आपने इसको करेंट का देख लिया, टेस्ट दे लिया, 150, 300 क्वेश्चन आपने इसको देख लिया
तो मैक्सिमम चांसेस हैं इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और करंट की स्पेशल क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है, करंट की स्पेशल क्लास दी जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में जो भी स्पेशल हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। करंट की स्पेशल क्लास दी जाएगी, सी सेट की क्लास आपको दी जाएगी यहीं पर। सी सेट की क्लास जो है आपको फ्री रहेगी, क्योंकि सबके लिए फ्री है तो इन बच्चों के लिए भी फ्री रहेगी। तो एक मिनिमम फीस है आपका जो इस टेस्ट सीरीज का 599 का है, इसे आप परीक्षा प्लस ऐप से जाकर इनरोल्ड कर सकते हो। इसका जो टेस्ट है, पहला टेस्ट आपको डेमो देखना है जो फ्री रहेगा। आप पहले डेमो देख लीजिएगा, टेस्ट की क्वालिटी देख लीजिएगा। तो डेमो टेस्ट जो लाइव होगा वो आपका कब लाइव होगा, 13 तारीख को लाइव होगा, ठीक है, 13 तारीख को ये लाइव होगा। आप वहां पर डेमो टेस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग जो भी होगा एडमिशन। बाकी जितने लोग हमसे पहले से जुड़े हैं वो जान रहे होंगे कि हमारी क्वालिटी क्या है टेस्ट की, किसी भी टेस्ट में, ठीक। तो ये आप लोग यहां से, और कोई इंक्वायरी है आपका तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। एक बड़ा सवाल और भी आता है बच्चों का कि सर जी आपने बता दिया कि करंट का रोल सबसे ज्यादा है, कहां से पढ़ें आखिर करंट को, ठीक है। अभी आप जिससे पढ़ रहे हो, जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं तो वही बोलूंगा कि ठीक है आप उसको फॉलो करो, लेकिन कुछ लोग नहीं किए हैं पुराने, अब कितने महीने का करंट आएगा ये भी आपके सवाल होते हैं। तो चलो ये सवाल पे आते हैं कि करंट कितने महीने का पढ़ा जाए। तो करंट ओवरऑल मैं कहूंगा कि 12 मंथ तो दिमाग में रखो ही अपने, लेकिन रिसेंट के 6 मंथ आपका जो है, 6 मंथ वो आपका अच्छा होना चाहिए। करंट में हर एक पॉइंट आपके 6 महीने के जो रिसेंट के हैं, 14 मई को एग्जाम है, तो उससे पहले के 6 महीने के करंट आपके एकदम बेहतरीन तरीके से होने चाहिए। बाकी ओवरऑल 12 मंथ मतलब एक साल का करंट आपको मेन मेन चीजें, साल भर में जो एक फेमस चीजें हुई होती हैं वो जरूर ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और यहां पे रिसेंट से 6 मंथ से आपके डेट वाइज या फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये अब रिसोर्स क्या है, जो रिसोर्स आप फॉलो करें, मैं बार बार रिसोर्स को चेंज करने के लिए नहीं बोलता हूं। हाँ, किसी को और बेटर और रिसोर्स चाहिए तो मैं ये बता सकता हूं, सजेस्ट करता हूं कि आप घटनासार, मैं दिखा भी दे रहा हूं आपको, हाँ ये देखो, घटनासार की हाफ ईयरली वाली भी आती है और पूरा एनुअल भी आता है, तो आप दोनों ले सकते हो, मार्केट में ये है, अवेलेबल है, ठीक है। उसको आप लेकर अच्छे से पढ़ लो, अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हो ना, हाफ ईयरली और एनुअल वाली भी दोनों, तो आपको मैक्सिमम प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जहां नहीं अवेलेबिलिटी है इसकी, घटनासार की, घटना चक्र की भी आती है, दोनों सीक्वेंस में पॉइंटर आता है उसका, वन लाइनर पॉइंटर, थोड़ा उसको याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप 3-4 बार 5 बार पढ़ लिए हो और ऑलरेडी आप पहले से करंट तैयार करते आए हो तो काफी हेल्पफुल मिलेगा। तो घटनासार और घटना चक्र, ये दोनों सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो आपके अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर भी मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी आप अपने बुक स्टोर पे जाएंगे, जो भी नजदीकी बुक स्टोर है वहां पे आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाता है। तो बाकी और भी कोई सवाल है आपको पीसीएस से रिलेटेड कि अब हमें क्या करना है, कि लास्ट मोमेंट में सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इसके लिए मैं क्या करूं, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आपके जो भी दिक्कतें हैं उस समस्याओं को हम जरूर समाधान करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस होना है, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होना है, पॉलिटी पे होना है, साइंस पे होना है, ज्योग्राफी पे होना है, और हिस्ट्री में मॉडर्न पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस होना है। अगर ये सब चीजें आपने तरीका अपना लिया, और खासकर जीएस का जितना भी आपका घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है, उन सभी के साथ आपको जो भी रिवीजन करना है उनके साथ ही करना है, जो भी समस्याएं होंगी वो जरूर बताइएगा। और आपको अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले आप जो तैयारी किए हो उसको जानने के लिए तो टेस्ट ही तो आपका एनालिसिस कराएगा कि आप कितने स्कोर कर रहे हो, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपके स्कोर कितने इनहेंस होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट तो आपका एनालिसिस, आपका स्कोर तो पता चलेगा, साथ ही साथ इस टेस्ट से आपको क्या होगा, प्रिपरेशन भी आपकी बेटर होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी व्याख्या होगी हर एक क्वेश्चन की, वो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन की व्याख्या आपको 3-4 प्रश्न के आंसर कहीं ना कहीं देगी, ठीक है। तो जो जिनको जो भी इंटरेस्टेड हैं वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करें, वहां पे आप जाइएगा, यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज के नाम से कोर्स है, उसे आप
टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। 13 तारीख से आपको डेमो टेस्ट वहां पर देखने को मिलेगा। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।